हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की रीडिंग है आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या करंट एनर्जी है। सबसे पहले मैं ये देखूंगी, देन आई विल सी कि उनकी क्या फीलिंग्स इमोशंस हैं इस टाइम करंटली, वो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी को जाने दें। चैनल पर न्यू है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जरूर अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, एंड जस्ट स्प्रेड इट। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मेरे इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टा का आईडी स्क्रीन पे मेंशन है, मुझे वहां पे भी मस्ट फॉलो करिए। एंड अगर आप लोग इंग्लिश में रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं सो आप लोग मुझे वहां पे जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। रीडिंग्स वहां पे विद कैप्शन जो है वो पोस्ट की जाती हैं। सो लेट्स सी, आपका नो कॉन्टैक्ट है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, चाहे ब्रेकअप, सेपरेशन, कुछ भी चल रहा है, आप रीडिंग को अपने किसी एक्स, अपने किसी फ्रेंड, अपने हस्बैंड, वाइफ, अपने फियोंसी के लिए देख सकते हो। अगर लीस्ट कॉन्टैक्ट है, यहाँ कुछ अच्छा नहीं चल रहा ऑब्वियसली, तो आप रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। सो देखते हैं उनकी क्या करंट एनर्जी है आपको लेके, आपके जो पर्सन हैं जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, आपके लवर्स हैं, तो वो आपको लेके उनकी क्या करंट एनर्जी है, आपको लेके वो किस एनर्जी में है, आपके व्यूअर्स के पार्टनर्स जो हैं, आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके लवर्स जो हैं, वो आपको लेके किस एनर्जी में है इस टाइम, उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए। ओके, सो फर्स्ट वी हैव 32 डोर टू स्पिरिट। इस पर्सन की एज 32 हो सकती है। नंबर 5 किसी तरह से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 5 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। देन वी हैव विक्ट्री 28 एज, 28 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 10 नंबर किसी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड देन वी हैव 42 अ मैन वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, 42 एज हो सकती है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट हो सकता है। मे बी इस पर्सन का हाउस 6th हाउस जो है वीनस में हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है 27 डेट ऑफ बर्थ एंड एज हो सकती है। नंबर 9 इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी तरह से, लाइक लाइफ पाथ नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इनका। वॉकिंग अवे की एनर्जी है डेफिनेटली गाइस, कि आपको छोड़ के चले गए हैं, तो अब छोड़ के जाने के बाद भी इनकी जो नज़र है वो आप लोगों पे है, ठीक है। ये वापस आना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में। आई फील लाइक ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पहले शायद अपने काम में किसी वजह से बिजी थे, या अपने फाइनेंशली सिचुएशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस थे, जिस वजह से आपको टाइम नहीं दे पाए, या आपके कनेक्शन में शायद मिसकम्युनिकेशन की वजह से या फिर लेस कम्युनिकेशन की वजह से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, बिकॉज की पर्सन काफ़ी फोकस था अपने फाइनेंसिस को लेके, शायद उस वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया, या आप लोगों के दरमियान सेपरेशन हो गया, चीज़ें ख़राब हो गई, या फाइटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, आपको छोड़ के डेफिनेटली ये चले गए हुए हैं, ठीक है। वॉक अवे इस पर्सन ने कर लिया हुआ है, क्योंकि ये ऑल ओवर एनर्जी है आपके पर्सन की, ये आपको छोड़ के चले गए हैं, लेकिन वापस आना चाहते हैं आप लोगों के पास। ये चाहते हैं आप लोग अपनी लाइफ में आपकी तरफ आने वाले जो भी डोर्स हैं आप इनकी तरफ ओपन करो, ताकि ये दोबारा से आपको अप्रोच कर सकें, दोबारा से आपके पास आ सकें, बिकॉज इनको लग रहा है लाइक कि ये आपके साथ जो है अब लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी में आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आपके साथ। डेफिनेटली इनको ये भी फील हो रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पहले से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, पहले से ज़्यादा सेंसिबल हो चुके हो, पहले से ज़्यादा आप लोगों को रिश्ता निभाने की आपके अंदर एक एबिलिटी आ गई है। शायद पहले आप लोग इतने मैच्योर नहीं थे, या आप लोग अच्छे से रिश्ता नहीं चला पा रहे थे, ये भी नहीं चला पा रहा होगा, लेकिन अभी इनको लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, क्यों दैट्स वाई ये वापस आना चाहते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। इस कनेक्शन में ये पर्सन सक्सेस चाहते हैं, ये चाहते हैं इनको विक्ट्री मिले, और आई फील लाइक हो सकता है इनकी करंट एनर्जी है विक्ट्री की, तो ये पर्सन अपनी लाइफ में टोटली इस टाइम सक्सेसफुल हो गए हैं। पहले हो सकता है ये अपने फाइनेंसिस पे वर्क कर रहे थे और फाइनेंशली अपने आप को ग्रो करने पे काफ़ी फोकस थे, जिस वजह से कनेक्शन नहीं चल पाया, लेकिन अभी इस पर्सन को टोटली वहाँ पर सेटल हो चुका है अपने फाइनेंसिस, करियर में अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिए इस पर्सन ने, बैंक बैलेंस बना लिया है, ठीक है। तो इस वजह से ये अब आपके पास आके कनेक्शन ठीक करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, सॉरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। इनको काफ़ी सक्सेस मिल चुकी है, विक्ट्री मिल गई है, ठीक है, मतलब लाइक सेटल हो चुका है, अब इसको कनेक्शन में आप लोगों के साथ जो है वो सक्सेस चाहिए। स्पिरिट की एनर्जी है ये आपके साथ एक कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, इनको लग रहा है काफ़ी प्योरिटी है आप लोगों के साथ एक कनेक्शन में, काफ़ी लॉयल्टी आप लोगों के लिए फील कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन खुद भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहा है, और इनको लग रहा है आपके साथ जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअलिटी की तरह का है, दैट्स वाई ये मूव ऑन नहीं करना चाह रहे, ये वापस आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज लुकिंग, यू नो, फॉरवर्ड नहीं है, लुकिंग बैक है, ये पर्सन आगे जा रहा है, ये लेडी आगे जा रही है, बट लुकिंग बैक, ठीक है। तो ये
वापस आना चाहते हैं, वॉकिंग अवे दूर जा चले गया ये पर्सन, आप लोगों को छोड़ के मूव कर गया, लेकिन अभी वापस आना चाहते हैं। अब देखते हैं आपके लिए महसूस क्या कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। नंबर्स पे फोकस करिएगा, ठीक है, जिस तरह से आपसे रेजोनेट हो आप लोगों ने वैसे लेने हैं। एंड देन वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, देन वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, देन वी हैव वील ऑफ फॉर्चून, सेगिटेरियस स्टार साइन है यहाँ पे आपके लिए। 1010 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यहाँ पे अभी तक 44 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लाइक 44 इनकी अपनी एज हो सकती है या आपकी एज हो सकती है। 1010 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस तरह से आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स रिवर्स पार्टनर की। एंड देन वी हैव द हैंगमैन पाइसिस, जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है 3, 4, 10, 12, 33 एज हो सकती है, 33 नंबर वैसे ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, 44 एज, 44 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यहाँ पे इस पर्सन की एज 34 या 43 भी हो सकती है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास अ नाइट ऑफ एंड्स, इट इज लियो सेजिटेरियस, द एम्प्रेस, द लवर्स, सी गाइस, ये आपके पास आना चाहता है ये पर्सन, एनर्जी भी यही कह रही है और फीलिंग्स भी यही कह रही हैं कि ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं आप लोगों को लेके, ये आपके साथ आगे ग्रोथ चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ जो है उसमें अबंडेंस आए, आप लोगों के साथ ग्रोथ आए, ये फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली लाइक इन अ सेंस के लाइक आपके अपने बच्चों का पेरेंट्स बनाना, लाइक माँ या बाप आपको बनाना चाहते हैं, सो दैट्स वाई ये यूनियन के वेट में हैं, ठीक है, यूनियन करने के लिए आपके पास आना चाहते हैं ताकि आपके इस रिश्ते में ग्रोथ हो, इस रिश्ते पे ये वर्क करना चाहते हैं आप दोनों के दरमियान जो भी कनेक्शन है, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पर्सन यहाँ पे, हो सकता है ये किसी के साथ शायद कोई ना कोई सजेशन भी ले रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं आप लोगों के साथ कनेक्शन ठीक करने के लिए, इस टाइम इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इमोशनली फाइनेंशली तो ग्रो है ये पर्सन, इमोशनली इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, ठीक है। सो मुझे लगता है या तो ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं से आपकी किसी तरह से कोई बात करवा दी जाए, या फिर कोई इस पर्सन को कोई अच्छा सा सजेशन ही दे दे कि इसने किस तरह से आगे मूव करना है, किस तरह से एक्शन लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ के बारे में एक्शन लेने का भी एक अच्छा वे होना चाहिए, ठीक है, जितना अच्छा वे होगा या जितनी एक इम्पैक्ट उसका अच्छे से पड़ेगा आप पे, तो उतना ईजी हो जाएगा चीज़ का इन्फ्लुएंस, बेसिकली आप पे इन्फ्लुएंस उस चीज़ का अच्छा पड़ना चाहिए। तो ये डिस्कस भी कर रहे हैं और दैट्स वाई बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किस तरह से चीज़ों को ठीक करना है, ठीक है, ज़्यादातर ये टाइम अपना अकेला खुद के साथ स्पेंड कर रहे हैं ताकि इनको आपके इस रिश्ते को आपको ज़्यादा डीपली जानने का मौका मिले, लेकिन ये सेक्रीफाइस करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे आप लोगों ने भी काफ़ी सेक्रीफाइस किया इस कनेक्शन में, लेकिन ऑब्वियसली किसी वजह से आपका कनेक्शन नहीं चल पाया, लेकिन अभी आप लोगों को एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं, काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं, काफ़ी पोजेसिवनेस भी आ रही है, ये आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। सो वील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है डेफिनेटली, कुछ लोग यहाँ पे डेस्टाइन पार्टनर है, आप एक दूसरे के डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन हो, तो आप किस्मत के टाइम पे एक दूसरे से मिलोगे, और इनको डेस्टिनी पे यकीन है, किस्मत भरोसा है कि किस्मत आप दोनों को ज़रूर मिलवाएगी, इस टाइम इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और जब आप को इनके सपोर्ट की ज़रूरत थी तब डेफिनेटली इसने सपोर्ट आपको नहीं किया, तो उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा है इनको, या हो सकता है अभी ये काफ़ी ज़्यादा अटका हुआ खुद को फील कर रहे हैं, लाइक एक स्नैगनेट सी पोजीशन है, लाइक बैक एंड फोर्थ सिचुएशन है, पीछे जा रहा है सब कुछ, आगे मूव करने की कोशिश करते हो तो दोबारा से पीछे सब कुछ आ जाता है, मूवमेंट सही नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों के कनेक्शन में मुझे इन एंड आउट सिचुएशन भी इस पर्सन का नज़र आया कि कभी चीज़ें आप दोनों के दरमियान में ठीक चल जाती हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जिसको बोलते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, बट अभी की बारी जब ये आएंगे तो डेफिनेटली एक आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाएंगे और आपको डेट करके रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ये यूनियन चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो यहाँ पे मेजर अरकाना दो यहाँ पे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे किस्मत का वेट है और इस पर्सन को पता है कि किस्मत ज़रूर आपको मिलाएगी, इसके फेवर में जो है किस्मत फैसला करेगी, ठीक है। एज इनकी 46 भी हो सकती है और 36 भी हो सकती है, अदरवाइज 66 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
बट अगर वैसे मैं देखूँ ना तो हो सकता है इनकी अगर एज ज़्यादा नहीं है तो ये अपेयरेंस इनकी काफ़ी ज़्यादा यंगर है, एक यंगर लुक देखती है, लाइक काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन है ये। कुछ लोगों के दरमियान मुझे डिस्टेंस दिख रहा है तो शायद इन्होंने किसी दूसरी जगह पे मूव करके आना है, लेकिन कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे मे बी आप लोगों के पार्टनर्स या तो किसी रहते हैं जैसे इजिप्ट, दुबई, ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है जैसे कोई इस तरह से बिलोंग करता है इन जगहों से। या कुछ लोग हो सकता है आप लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, ये पर्सन हो अरबिक, यू नो अरबी हो सकता है, लाइक सऊदीया से। अगर ये नहीं है तो डेफिनेटली आप हो गए। अगर मुझे ये जो एनर्जी आई है, मुझे मैसेज आया तो मैंने आपको देना, तो लेट्स सी देखते हैं। यहाँ पे है रिस्क 31 इनकी अपनी एज हो सकती है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट हो सकता है, रिस्क की एनर्जी है, ये आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं। यस, क्योंकि इनको सेक्रीफाइस खुद को भी करना है, पहले आपने सेक्रीफाइस किया तो अभी इनको पता है कि अब इनको भी सेक्रीफाइस करना है किसी ना किसी तरह से। वैसे भी इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा अपना अपने आप को सिक्योर कर लिया हुआ है, बैंक बैलेंस बना लिया हुआ है, अब इसको एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, जो आपकी सूरत में ये देखते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। एक्वेरियस स्टार साइन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यस, अदरवाइज आई थिंक मैंने आपको स्टार साइन बता दिए हैं। बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है स्टार साइन वो है पाइसिस, जेमिनाई, टोरस, लिब्रा, सैगिटेरियस, या अदरवाइज कोई भी स्टार साइन हो सकता है। देन वी हैव रिजिड, यस, आप लोगों को पाना इनकी, अब आप कह लो कि लाइक जैसे जिद टाइप कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नीचे फोर ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है रिजिड टाइप की, जिद कह सकते हैं यहाँ पे है इनकी, लेकिन जिद जो है वो नेगेटिव को नहीं जा रही है, ठीक है। एक होती है नेगेटिव जिद कि किसी चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, ये नहीं देखना क्या सही है क्या गलत है, नो ऐसी नहीं है, चाहते हैं ये रास्ता तलाश करने की, एक रिजिड इन अ सेंस कि ये आना चाहते हैं लेकिन सही रास्ते के साथ, ठीक है, सही रास्ता चूज करके, किस तरह का भी कोई गलत चीज़ को के थ्रू आपको अप्रोच नहीं करना चाहते ये। सो 13 की अपनी एज हो सकती है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरह से, क्योंकि 333 यहाँ पे नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर बैक टू बैक रिपीट हो रहा है यहाँ पे, सो ये रास्ता तलाश कर रहे हैं किसी तरह से। ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी हर्डल्स हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये रिस्क लेने को भी रेडी हैं। यस, एंड देन वी हैव नंबर 7 हाई प्रिस्टीज ऑफ स्पिरिट, ये भी स्पिरिट की एनर्जी है, ये भी स्पिरिट की एनर्जी है, डेफिनेटली ये आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। दिस पर्सन नोज वेरी वेल यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल, वेरी प्योर पर्सन, ठीक है, तो ये आप काफ़ी ज़्यादा आप मेच्योर हो चुकी हो, काफ़ी स्पिरिचुअल आपके साथ एक कनेक्शन है और आप खुद भी काफ़ी स्पिरिचुअल, आप इनको एक हीलिंग एनर्जी दे रहे हो, मे बी यू गाइस आर मैनिफेस्टिंग और इनको एनर्जी किसी तरह से पॉजिटिव भेज रहे हो, दैट्स वे ये आपके पास आना चाहते हैं। नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, 37 एज भी हो सकती है, 47 एज भी हो सकती है, ठीक है, बाकी सब नंबर एजेस आपके सामने हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, जैसे रेजोनेट हो आप लोगों ने वैसे लेना है, ठीक है। यस, और ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, या इनको पता है आप काफ़ी ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हो चुके हो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सेंसिबल हो चुके हो, रिश्ता चलाने का, रिश्ता निभाने का आपको पहले इतना नहीं आइडिया था जितना अब आप इस चीज़ को समझ चुके हो, इसीलिए ये भी रेडी हैं और आप भी रेडी हो, तो जब रेडी हो गए दोनों ही सेम एनर्जी होगी तो डेफिनेटली चीज़ें फिर ठीक चलेंगी, ओवरलैप नहीं होंगी। यहाँ पर 42 की एनर्जी है, नंबर 6 अगेन है, यहाँ पर 6 नंबर, 666 नंबर भी इंपॉर्टेंट है और 333 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के कॉन्फिडेंस में आके ये आप इस तरफ एक्शन लेंगे, और ये आपको भी जानते हैं कि आप खुद काफ़ी कॉन्फिडेंट हो और काफ़ी ज़्यादा एक आप लोग हैप्पी पर्सन हो जिसके साथ कनेक्शन अच्छा चलाया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है, एक्शन लेके आप लोगों के पास आना चाहते हैं, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस बना रहे हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा आप अपने खुद पर यकीन है कि जिस तरह भी आपकी तरफ एक्शन लेंगे आप लोगों को अप्रोच कर लेंगे और आपके साथ कनेक्शन भी आगे बना लेंगे, ठीक है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस इस पर्सन को है, लेकिन अभी टोटली उस चीज़ों पे वर्क हो रहा है, क्योंकि नीचे फोर ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको लेके, ठीक है। सो या दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।